ीतासमारोऽपि तवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् न रामं रघुवंशनाथम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् गङ्गातरङ्गमीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तर्विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् ीपुरपतिं भज भीश्वनाथम् मनोजबं मारुततुल्यवेगं जित्रियं वरिष्ठम् वातात्मजं वा श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्दे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्दे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्दे रामचंद्र जी की जय लखनलाल जी की जय पर वीर बजरंगी हनुमान जी की जय चारू भइयन की जय अयोध्या धाम की जय सरजू मैया की जय गोस्वामी बाबा की जय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड का पाठ आज मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं प्रभु श्री सीता राम जी की असीम अनुकंपा और उन्हीं की प्रेरणा से यह पाठ संभव हो रहा है जब सती ने अपना तन त्याग किया यज्ञ की अग्नि में जलकर जब भस्म हो गई सती तो मरते समय भगवान से यह प्रार्थना की कि जन्म जन्म तक जन्म जन्म में मेरा प्रेम शंकर भगवान के चरणों में दृढ़ होता रहे लगा रहे सती ने अपना शरीर त्याग कर राजा हिमबान के घर में माता मैना की कोख से माता पार्वती के रूप में जन्म लिया चारों ओर अष्ट सिद्धियां नौ निधियां छा गई सुमंगल वातावरण मनोहर दृश्य चारों ओर मंगल ही मंगल होने लगे समाचार पाकर देवर्षि नारद जी भी वहां पहुंचे राजा हिमबान और मैना ने अपनी सुपुत्री को लेकर के देवर्षि नारद जी के चरणों में डाल दिया हिमबान ने पूछा कि हे महामुनि, हे मुनिनाथ हे देवर्षि जी आप मेरी इस पुत्री के दोष और गुण कहिए गुण और दोष नहीं पूछा जी दोष और गुण कहते हैं हिमबान त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार गति सर्वत्र तुम्हारी हे देवर्षि नारद जी हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं आपकी सर्वत्र पहुंच है गति सर्वत्र तुम्हारी सभी जगह आप जाते आते रहते हैं विराजमान रहते हैं अर्थात आपकी वह दिव्य दृष्टि वह पहुंच सब जगह है इसलिए कहा उस सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी हे मुनिवर हृदय में विचार करके मेरी पुत्री क्या दोष और गुण कही कह मुनि बिहसी गुड़ है मृदु बानी बिहसते हुए देवर्षि नारद जी ने मृदु भाषा में गूढ़ वाणी गूढ़ रहस्य बताया कहते हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी तुम्हारी सुता तुम्हारी पुत्री तो सारे गुणों का खान है सुंदर सहज सुशील सयानी सुंदर है सुशील है सयानी चतुर है इसका नाम होगा उमा अंबिका भवानी आदि इसके नाम होंगे सब लक्षण संपन्न कुमारी सभी लक्षणों से सुसंपन्न दिखाई देती है तुम्हारी कुमारी तुम्हारी पुत्र संतत प्यारी यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता जस पावेंगे ऐसा कम ही होता है जब पुत्र या पुत्री के कारण माता और पिता सुजस पाते हैं आजकल तो माता और पिता के बल पर ही पुत्र और पुत्रियां आगे बढ़ती हैं चाहे राजनीति में हो या पद पर चाहे जिस तरह का पद हो लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सदा चले यही करे यही बाता यही तेजसुपयी है माता इस सुपुत्री तो के कारण माता और पिता का जस फैलेगा वही ही पूज्य सकल जग माही सारे संसार में तेरी यह पुत्री पूज्या होगी यही से बत कछ दुर्लभ ना ही जो इसकी सेवा करेगा उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा यही कर नाम सुमेरी संसारा तुम्हारी इस पुत्री का नाम का सुमिरन करके त्रिय चढ़ी है ही पति व्रत असिधारा नारियां अपने पाति व्रत धर्म की तलवार रूपी धार पर चढ़ जाएंगी हृदय वर्षी कहते हैं कि सहल सुलक्षण सुता तुम्हारी असुन अब अब गुण दुई चारी ए राज। तुम्हारी सुपुत्री तो सुलक्षणा है लेकिन इसमें कुछ दो चार दोष भी है धैर्य पूर्वक उसे सुनो अगुण अमान मातुपितुही उदासीन सब संशय छीना ये कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो इसके पति के हैं इसको जो बर मिलेगा जो पति मिलेगा वो अगुण होगा अर्थात गुण रहित होगा गुणहीन होगा अमान होगा जो मानहीन होगा जिसका कोई मान नहीं मात पितु हीना माता और पिता से हीन होगा जिसकी न माता होगी न पिता होंगे उदासीन होगा लापरवाह रहेगा बेपरवाह सभी संशयों से छीन होगा जोगी होगा जटाधारी होगा निष्काम हृदय होगा नंगा होगा और अमंगल वेश वाला होगा ऐसा पति इसको मिलेगा इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है अगुन यमान मातु ना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अका मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी ए कह मिल परिहस्त सिख सियावर रामचंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैयन की जय सुनि मुनि गिरासत सत्य जानी दुख दंपति ही उमा हर सानी नारद जी की बात सुनकर के राजा और रानी तो भारी दुख में पड़ गए बहुत शोक हुआ उनको लेकिन ऐसी बात सुनकर के माता पार्वती जी हर्षित हो गई नारद हु यह भेद न जाना पार्वती जी प्रसन्न हुई इसका भेद यहां तक कि नारद जी भी नहीं जान सके माता पिता सखियां क्या जानती थी दशा एक समझ बिलगाना नारद जी भी भेद नहीं जान सके क्योंकि बाहरी दशा तो सबकी एक ही रहती है अब किसके मन में अंतर दशा क्या हो रही है कैसी दशा चल रही है कौन जाने सकल सखी गिरि जा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना सारी सखिया राजा हिमबान माता मैना पुलकित है सुता के गुण सुनकर तो पुलकित है लेकिन उसका जो दोष है कैसा पति मिलेगा यह सुनकर के सभी के आंखों में अश्रु आ गए जल छा गए सा देवरिशि भाखा उमासो बचन हृदय धरी राखा देवरसी नारद जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती पार्वती जी ने अपने हृदय में यह सारे वचन रख लिए धारण कर लिए वो जानती थी कि ऐसा पति कौन हो उपजे शिव पद कमलू शिव जी के चरण कमलों में पार्वती जी का प्रेम उमड़ पड़ा मिलन कठिन मन भा संदेह लेकिन मिलना कठिन था यही हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ जान अब सर प्रीत दुराई सही समय नहीं जान करके प्रीत को प्रकट नहीं होने दी सखी उछंग बैठी पुनि जाई और तब पार्वती जी सखियों के संग अलग होकर बैठ गई झूठी न हो ई देवरी शिवानी सोच ही दंपति सखी सयानी पार्वती जी को तो जो सोचना था हृदय में धारण करना था वो शिव जी का रूप धारण कर दी लेकिन सखियां और माता और पिता बहुत दुखी हुए क्योंकि देवर्षि नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती मृषा न हो देवर्षि भाखा ये कौन सोचे थे पार्वती और झूठ न हो ई देव ऋषि ये कौन सोच रहे हैं माता पिता और सखियां सयानी धरी धीर कह ही गिरिराहू कहु नाथ का कर जब कोई ज्योतिषी आपकी हस्तरेखा देख करके कुछ ग्रह गोचर बताते हैं आपका बाल बच्चे का तो आप झट से उनसे पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि इसका उपाय क्या है या ज्योतिषी ही कह डालते हैं जब आप दुखित होते हैं ग्रह गोचर की बात सुन करके तो ज्योतिषी कहते गे घबराओ मत इसका उपाय है अरे उपाय है क्या उपाय है आशा की किरण दिखाई देती है माता पिता अधीर होकर के कह रहे हैं कि हे नाथ कहिए इसका कोई उपाय है क्या करें कह मुनि से हिम बंत सुनू जो विधि लिखा लीला नारद मुनि ने कहा कि हे हिमान विधि ने विधाता ने विघना ने जो ललाट पर लिख दिया है उसका मेटन हार यहां कोई नहीं है कह मुनि सही मत सुनू जो विधि लिखा लीला देव दनुज नर नाग मुनि को टनहार देवता हो दनुज हो नर हो नाग हो मुनि हो कोई भी विधि की लेखनी जो ललाट पर चल गई उसको मिटाने वाला इस संसार में कोई नहीं है दूसरा तो फिर इस दुख का कोई उपाय नहीं है निवारण का नारद जी इस बीच भंवर में पड़े राजा रानी के दुख के निवारण में आशा की किरण दिखाई उन्होंने कहा कि तदपि यद्यपि की विधि का लिखा हुआ ललाट पर से मिटाने वाला कोई नहीं है मिट नहीं सकता जो विधाता ने लिख दिया फिर भी तदपि एक मैं कह उपाई अहोई करें जो देव सहाय फिर भी मैं एक उपाय कहता हूं यदि देव सहायक हुए तो ऐसा हो सकता है राजा रानी ने पूछा क्या हो सकता है नारद जी ने कहा कि जैसे वर का मैंने वर्णन किया है जस बर उमय बर ने तुम पाही अमिल उमह ही तस संशय नाही जैसा वर मैंने कह दिया उमा को वर तो वैसा ही मिलेगा इसमें कतई संदेह नहीं है कैसा वर नारद जी बताए थे गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन यानी लापरवाह जोगी जटाधारी हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा ही वर इसको मिलेगा इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है चाहे कोई कोटि उपाय करो तो फिर नारद जी कहते हैं कि वर यानी दुल्हा का मैंने जो जो दोष बताया है वे सारे दोष शंकर भगवान में है किसमें है शंकर भगवान में सारे दोष हैं गुणहीन है, है मानहीन है उनको मान अपमान से क्या मतलब जी जो देवाधिदेव महादेव हैं, उनके माता पिता कौन है आखिर कोई नहीं वो तो स्वयंभु है अपने आप है वो तो आदि हैं, न आदि है न अंत है सब कुछ नमः शिवाय सारे दोस्त शंकर भगवान में हैं। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान मेरा अनुमान है कि सारे दोष शंकर भगवान में है जो विवाह शंकर सन हो यदि पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो दो सौ गुण सम कह सब कोई तो सारे दोष गुण में परिणत हो जाएंगे बदल जाएंगे इस संसार दोषी नहीं सब कोई उनके गुणों का ही बखान करेगा जितने भी दोष हैं सब गुण के समान हो जाएंगे कैसे जो अहिसे सयन हरि करही विष्णु भगवान शेष सज्जा पर रहते हैं कहीं सर्प के सेज पर भी कोई रहता है जी और सर्प के ऊपर सोए हुए कौन रहते हैं विष्णु भगवान तो उनमें गुण है कि दोष है सारा ब्रह्मांड विष्णु भगवान की वंदना करता है ना रहते हैं कहा सांप पर जो ऐसे जे जयन हरि करही अब बुध कछुति न कर दो सुन धरही तो पंडित लोग उनका दोष नहीं धरते हैं गुण ही मानते हैं भानु कृषानु सर्व रस खाई सूर्य भगवान और अग्नि देव सारे रसों का भक्षण कर जाते हैं जो कुछ भी दो संसार में जो कुछ भी है सबको सुखा लेने वाले सबको खा जाने वाले कौन अग्नि अग्नि में क्या नहीं जलकर भस्म हो जाता है जी सूरज के ताप से क्या नहीं उड़ जाता है जी भाष बन जाता है सब कुछ भक्षण कर जाते हैं कौन सूर्य भगवान सूर्य का ताप और अग्नि देवता फिर भी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं पूजते हैं सारे गुणों के खान है दोनों कोई उनकी निंदा करता है कोई उनमें दोष लगाता है शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही गंगा जी की धारा में शुभ और अशुभ सुभाषित चीज भी या कूड़ा कचड़ा भी सब कुछ गंगा की धारा में प्रवाहित होता है और सब मिलकर के गंगा क्या हो जाती गंगा ही रहती है कोई दोष आता है गंगा में कोई भी गंगा माता को अपवित्र कहता है नहीं कहता है पापियों का पाप धोने वाली पति पावनी है गंगा गोस्वामी जी कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई गोसाई जी कहते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दो गोसाई सामर्थवान को कोई दोषी नहीं कहता है कोई उसमें दोष नहीं लगाता है सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है जो मन होता है बोलता है जो मन होता है करता है कोई उसमें दोष लगाने वाला नहीं तो जो सामर्थ्यवान है उसके सारे दोष गुण में बदल जाते हैं अवगुण सब छिप जाते हैं रवि पावक सुर सरी की नाई सूरज भगवान की तरह अग्निदेव की तरह और गंगा माता की तरह जो असिशा कर ही जड़ विवेक अभिमान पर ही कलप भर नरक महू जीव की ईस समान सियावर चंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय सुर जल बारु जाना कब कबहू न संत कर पाना यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है सूर्य अग्नि और गंगा जी की में जो दोष निकाले उसका भला क्या कहना जी वो सूर्य हो जाएगा अग्नि समान हो जाएगा गंगा जी की महिमा का बखान वो कर सकता है कभी उसके बलबूते की बाहर की बात है समानता नहीं होगी गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते देखो यदि दोष सामर्थ्यवान के पास है तो दोष नहीं गुण हो जाता है लेकिन यदि गुणहीनों के पास अच्छी चीज भी आ जाए तो उससे लोगों का भला नहीं होगा यदि किसी दुष्ट के हाथ में चाकू आ जाए तो दूसरे को वार ही करेगा उससे किसी की रक्षा नहीं कर सकता है यदि दुष्टों के पास विद्या हो जाए तो उसे दूसरे की हानि ही पहुंचाएगा आज संसार में देख रहे हो ना न्यूक्लियर बम लोग बना ले रहा है जो सामर्थ्यवान है शक्तिवान है वो न्यूक्लियर बम बना के भी रखे हुए हैं। कहीं उसका इस्तेमाल नहीं करता लेकिन जो छिछले देश हैं, अभिमानी देश वो बार बार धमकी देते हैं कि हम परमाणु बम ही पटक दें एटम बम न्यूक्लियर बम हमेशा धौस देते रहता है तो गुण जो दुष्ट स्वभाव का है उसके पास गुण का होना बड़ा खराब है जी देखिए गंगा जल गंगा जल है उसमें चाहे जितनी भी अशुद्धि मिल जाए वो सब शुद्ध होकर के गंगा गंगा ही होती है ऋषिकेश से बहती हुई गंगा जहां गंगा उतरी वो तो और ऊपर में है हिमालय में वहाँ से ऋषिकेश में गंगा स्पष्ट रूप से नदी के रूप में दिखाई देती है धारा कलकल छल छल बहती है हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा वहाँ से लेकर के वो तीर्थराज प्रयाग से होते हुए काशी धाम से आगे बढ़ती हुई पटना से जाते कलकत्ता में पहुंच करके वो बंगाल की खाड़ी में गंगा जी मिल जाती है यहां तक गंगा जी सारे अवगुणों को सारे दोषों को समेटते हुए सारे नदी नाले के पानी को गंदगी को अपने में ढोती हुई गंगा गंगा ही होती है और जो गंगा हिमालय से चली यहाँ तक के कि प्रयागराज से ऊपर ही गंगा काफी दूषित हो जाती है कितने कचड़े गिरते हैं गंगा में फिर भी काशी पटना से आगे बढ़ने पर जहांगड़ा से जल भर के लोग देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर के शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं गंगा तो गंगा ही है गंगा गंदली नहीं हुई गंगा मैली नहीं हुई गंगा गुणों से रहित नहीं हो गई गंगा का जल अमृत ही है लेकिन उसी गंगा के जल को तू अपने घर में लाओ और उस गंगा के जल से यदि मदिरा बना दी जाए मदिरा में गंगा जल डाल दिया जाए तो क्या संत जन उस मदिरा का पान कर लेंगे कि इसमें गंगा जल मिलाया हुआ है गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाए वही शराब जाके डाल दो गंगा जी में। वो फिर गंगा हो जाती लेकिन गंगा का जल शराब में मिल करके वो शराब हो गई उसे संत जनपान नहीं कर सकते लेकिन वही शराब का बोतल जाके ढार दो गंगा जी में गंगा में समाहित होते ही सब गंगा हो गई पवित्र हो जाता है जी तो ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है ईश्वर ईश्वर है उनके सारे दोष भी गुण बन जाते हैं संभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा शंकर भगवान सामर्थ्यवान है सहज में ही वो रीझ जाते हैं यदि शंकर भगवान से इस उमा का पार्वती का अंबिका का भवानी का विवाह हो जाए तो सब विधि कल्याण ही कल्याण है कौन कह रहे देवर्षि नारद जी कह रहे दुराराध्य महेशु आशुतोष पुन किए कलेसु परंतु तो महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है फिर भी क्लेश यानी तप तप करने से ही बहुत जल्द आशुतोष भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए पार्वती को क्या करना चाहिए तप करना चाहिए जो तप करे तप करे कुमारी तुम्हारी यदि तुम्हारी कुमारी तप करती है तो भाव यू में त्रिपुरारी तो जितने भी अमंगल हैं सब मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे और त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं जी कि शिव को पाना बड़ा कठिन है लेकिन यदि तप करें तुम्हारी सुपुत्री तो होनहारी को ही मिटा देंगे शंकर भगवान क्योंकि तो बड़ी जल्दी रिस जाते हैं किसी के ऊपर जो मांगो दे देते हैं यद्यपि पर अनेक जग माही यही जी तूसर नाही यद्यपि कि संसार में वर दूल्हा बहुत है अनेकों है लेकिन तुम्हारी पुत्री तुम्हारी कुमारी भवानी के लिए अंबिका के लिए जगदम्बा के लिए माता पार्वती के लिए वही वर सर्वश्रेष्ठ है कोई दूसरा वर उसके योग्य नहीं वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक रंजन इच्छित फल बिन शिव अवराधे जप साधे शिव जी वर देने वाले शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी बांछित फल नहीं मिलता है जो शिव जी श्री राम जी की वंदना हमेशा करते रहते हैं राम राम जपते रहते हैं वो श्री राम किन का नाम जपते हैं शंकर भगवान का नाम जपते हैं ओम शिवाय शिवा असक नारद सुमिरी हरि गिरिजहि दीन असीस होई ही यह कल्याण यव संशय तज हुआर राम चंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज हिमबान तुम संदेह का त्याग कर दो अब यह कल्याण ही कल्याण होगा कही अस ब्रह्म भवन मुनि गय आगिल चरित सुनहु जस भयू ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो कौन सुना रहे हैं जागवल्क मुनि जी कह रहे हैं किसको भरद्वाज जी को हे भरद्वाज अब जो आगे का चरित्र है उसे सुनो जब मुनि नारद जी चले गए तो एकांत में मैना ने कहा अपने पति हिमबान से कि हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा नारी बुद्धि है आप कुछ समझे पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ नमय समुझिए मुनि बैना महर्षि नारद जी मुनि नारद जी के वचन को मैं तो कुछ नहीं समझ सकी जौ घर बरु कुल हो अनुपा करी सुता अनुरूपा यदि घर वर कुल खानदान सब कुछ अनुरूप हुआ तब तो मैं अपनी सुपुत्री पार्वती का विवाह करूंगी उससे यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी पुत्री भले ही कुमारी रह जाए लेकिन मैं उसका विवाह ऐसे पर से नहीं होने दूंगी वो मेरी प्राणों से प्रिय है ऐसा हो ही नहीं सकता मैं वो ऐसे पर से उसका विवाह नहीं करूंगी यदि घर पर अनुरूप नहीं मिला तो मेरी पुत्री कुमारी रहेगी घर में सब दिन लेकिन उसका विवाह मैं नहीं करूंगी जौ न मिल ही बरु गिर जोगु। जोगू यदि गिरजा के योग्य वर नहीं मिला तो गिरि जड़ सहज कह ही सब लोग तो सारे लोग सहज भाव से कहेंगे कि जो जड़ है जो गिरी है वो जड़ ही है पर्वत क्या है जी जड़ है हिलने वाला है डोलने वाला है चलने वाला है समझने वाला है लोग नाम के अनुरूप यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं मूर्ख होते हैं इसलिए हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर हृदय में संताप न हो सोच विचार पति करेहु विवाहू आज ही न बहोरी हो युरदाहु फिर हृदय में दाह न हो दुख न हो आज भी पिता कहते हैं त्रियों के पिता जब वर खोजने जाते हैं तो कहते हैं कि जो भी हो जितना कष्ट उठाना पड़े एक ही बार हम सारा दुख सह लेंगे कष्ट सह लेंगे लेकिन बेटी को ऐसे घर में विवाह करेंगे जहां फिर उसको कोई तकलीफ ना हो दुख ना हो मैके की राह फिर उसको देखनी ना पड़े आसरा फिर उसको जोहना न पड़े अस कही परी चरण धरी सी सा ऐसा कह करके पति के चरणों में शीश धर के मैना कहने लगी तब हिमबान यानी गिरीश हिमाचल स्नेह के साथ वचन बोले उन्होंने कहा कि बरुपावक प्रगटे सशिमाही नारद बचनु अन्य हे महारानी सुनो भले ही चंद्रमा से आग बरसने लगे ऐसा संभव हो सकता है हालांकि होता नहीं है चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं चांदनी रात में कहीं अग्नि उत्पन्न हो सकती है लेकिन हो सकता है चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए लेकिन नारद जी के वचन कभी भी झूठे अन्यथा नहीं हो सकते गलत हो ही नहीं सकते इसलिए नारद जी ने जो कहा है वह होगा और वही होगा प्रिया सोच परिहरा सब सुमिरहु श्री भगवान हिमबान कहते हैं कि हे प्रिय सारा सोच परित्याग कर दो भगवान का सुमिरन करो प्रिया परिहर हु सबु सुमिरु श्री भगवान पार्वती निर्मय सोई कर ही कल्याण सियावर रामचंद्र जी जय बबुआ लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय माता पार्वती की जय शंकर भगवान की जय चारो भैन की जय हे प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही उसका कल्याण भी करेंगे अब जो ही सुता पर नेहू तो अस जाय सिखा बनु देहू अब यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है तो जाकर वह उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटे जाकर उसे बताओ कि ऐसा तप करो ऐसा उपाय करो जिससे जो नारद जी ने बताया है वही बर वैसा ही बर मिले तो और इसके लिए क्या करना होगा शंकर भगवान को प्रसन्न करना होगा चाहे जैसे भी तपस्या से करें क्योंकि कोई दूसरे उपाय से यह क्लेश मिटने वाला नहीं है यह दुख दूसरे उपाय से कटेगा ही नहीं मिटेगा ही नहीं हटेगा ही नहीं इसीलिए तप करने के लिए सिखाओ पार्वती को ताकि महेश प्रसन्न हो जाए शंकर भगवान नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि अस निधिशंका सब ही भाति शंकर अकलंका नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समृत सुंदर गुणों के भंडार हैं समस्त गुणों के भंडार हैं वो सामर्थवान है समर्थ हैं सभी गुणों के भंडार हैं यह विचार कर तुम झूठे संदेह को मिथ्या संदेह को छोड़ दो शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं पार्वती को कहो समझाओ कि किसी तरह से तप करे और शंकर भगवान को प्रसन्न करे शंकर भगवान निष्कलंक ही है उनमें भला कलंक को लगा सकते सुनिपति बचन हर सिमन माही गई तुरत उठ गिर जा पाही उमहि बिलो की नयन भर बारी सहित सनेह गोद बैठारी पति के बचन सुनकर के मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भरा आए नेत्र से जल अश्रु की धारा बह निकली उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया और बार बार उसे छाती से लगा रही है पुत्री को गदगद गद कंठ है अवरुद्ध गले रुदे कंठ से कुछ आवाज निकल नहीं पा रही है कहती है बार बार लेती उर लाई, गद, गद कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुवानी जगत जन्नी भवानी जी तो सर्वज्ञ छहरी उनसे क्या छिपा हुआ माता के मन की दशा को वो जान गए और उन्होंने कहा ऐसी वाणी बोली जिससे माता को सुख मिले जी। कहती है पार्वती कि सुनो मा तुम दीख सपन सुना तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही और रामचंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय पार्वती माता की जय हे मां मैं तुझे सुनाती हूं तू सुन मैंने एक स्वप्न देखा है पार्वती जी कह रही हैं कि हे मां मैंने एक स्वप्न देखा है उस स्वप्ने में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ इतना सुनते ही माता तो प्रसन्न हो गई उन्हें लगा कि सपने में देखी है कि मुझे सुंदर वर मिलेगा श्रेष्ठ वर मिलेगा गौर वर्ण का वर मिलेगा लेकिन नहीं यहां पर बात काट दीजिए पार्वती जी उन्होंने कहा कि एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा मुझे उपदेश दिया है सपने माता सोच क्या रही थी हो क्या गया। सोच रही थी कि ऐसा वर मिलेगा सपने में देखी है लेकिन वो कहती है कि ऐसा एक ब्राह्मण मुझे सपने में उपदेश दे रहे थे क्या उपदेश दे रहे थे कहती है पार्वती कि वो ब्राह्मण मुझे सपने में कह रहे थे कि हे पार्वती नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है तप से क्या चीज नहीं संभव है जी कर ही जा ही लकुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पिता पुनिय मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष तप से क्या क्या होता है ए हा तप बल रच प्रपंच विधाता तपबल विष्णु सकल जगत्राता ए हा तप बल शंभु करही संघारा बल से सुधरई मई भारा ए तप अधार सब सृष्टि भवानी आ जाई तपु अस जिय जानी एहा सुनत बचन विषमित महतारी सपन सुनाय गिर हकारी जय ज राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम पार्वती माता तप बल की प्रशंसा करते हुए तप की व्याख्या करते हुए तप की महत्ता को बताते हुए तप के बल को बताते हुए माता से कहती है कि हे माता तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र से जगत का संहार होता है और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है शंकर भगवान अब कह रहे हैं माता पार्वती जी से हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर यह बात सुनकर माता को बड़ा कौन समझा रहे हैं वो जो गौरवर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण सपने में मिले थे ना वो माता भवानी को समझा रहे हैं माता भवानी कह रही है कि हमको उन्होंने कहा है कि हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है ऐसा जी में जान कर तू जाकर तप कर यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ मैना तो अचंभित हो गई और उसने हिमबान को बुला करके कहा हे महाराज सुनिए हे पतिदेव आइए और सारी बात जो भवानी कही थी सपने की बात वो सब कुछ मैना हिमबान को सुना दी मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हर साई माता और पिता को भली भांति समझा करके उमा तप के लिए चल दी घर छोड़ दी प्रिय परिवार पिता यरु माता भये बिकल मुख न बाता सारा परिवार माता और पिता दुखी हो गए मुख से एक बचन नहीं निकले आज जब बेटे या बेटियां घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती है तपस्या ही है जी माता पिता रुआसे हो जाते हैं लेकिन दिल में एक आशा होती है बेटा पढ़ेगा बेटी पढ़ेगी घर से विदा कर देते वही तप करने के लिए पार्वती भी घर छोड़कर चली गई वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई सियावर राम चंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भईयन की जय तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया ऋषि की बात सुने सभी उर्धर चरणा जाई जापिन लागी तप करना अति सुकुमार नपजोगू पति पद सुमिर तेउ सब भोगू प्राण पति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी बन में जाकर तप करने लगी पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था अभी कितने दिन की कन्याकुमारी थी जी तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया जो उम्र खेलने खाने के रहते हैं उस उम्र में पार्वती जी तप करने चली गई सारे भोग विलास को त्याग दिया सभी भोग को तज दिया जय सिया राम जय जय सिया, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नित नव चरण उपज अनुरागा जय शियाम जय जय तप ही तपही लागा जय शििया जय जय शियाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय संबत सहस मूल फल खाए ओम नमः शिवाय साग खाई सत बरस गवाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय संबत सहस मूल फल खाए तप में तो मन लगा दिया देह की सुधबुद बिसर गई नित शंकर भगवान के चरणों में नया अनुराग उपजने लगा सहस्र संबत तक केवल मूल और फल खाए किसने पार्वती ने साग सत बरस गवाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और सौ वर्षों तक केवल साग खाकर निर्वाह किया कछु दिन भोजनु बारी बतासा, कुछ दिन तक के तो जल और वायु का ही भोजन करके रह गई जल और वायु हवा पीकर रहने लगी और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जल भी त्याग दिया बेल पाती मही पर सुखाई सूखे हुए बेल के सूखे हुए पत्ते खा करके निर्वाह करने लगी तप करने लगी तीन सहस संबत खाई तीन हजार वर्ष तक के बेल की केवल सूखी हुई पत्ती चबा करके खा करके पार्वती तपस्या करती रह गई शंकर भगवान को बेल पत्र बड़ा ही प्रिय है जी। इसीलिए परिहरे सुखा ने ना, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए पत्ता यानी पर्ण सूखे पर्ण भी छोड़ दिए इसीलिए पर्ण से रहित अपर्णा हो गई तो पार्वती जी का क्या नाम हो गया अपर्णा पार्वती माता का एक नाम अपर्णा थी परिहरे सुखान उपर्णा उम उमही नाम तब भय अपर्णा और यहीं से पार्वती माता का नाम अपर्णा हो गया क्योंकि उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया देखियो उम तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा तप से उमा का शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भय उ मनोरथ सुफल गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हिं त्रिपुरारिषियावर रामचंद्र जी की जय बबुआ लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय पार्वती माता की जय शंकर भगवान की जय आकाशवाणी हुई हे पर्वतराज की कुमारे सोन तेरा मनोरथ सफल हुआ तू अब सारे असह्य क्लेशों को कठिन तप को त्याग दे अब तुझे शिवजी मिलेंगे अब मिली हहीं त्रिपुरारी तप का हु न की भवानी हे भवानी ऐसा तप आज तक संसार में किसी ने नहीं किया था भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अनेकों धैर्यवान धीर वीर गंभीर मुनि ज्ञानी सब हुए लेकिन ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया था जैसा अब रानी किया ब्रह्म वरबानी अब इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की बानी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लो और यही कारण है कि अब यदि तुम्हें माता पिता बुलाने आए तो तुम एक क्षण की भी देर मत करना सीधा माता पिता के साथ चले जाना आवे पिता बोला बन जब ही हठ पर ही घर जाए हु तबही हठ छोड़कर तुम घर को चली जाना यह ब्रह्मबाणी है अब तुम्हें शंकर भगवान मिलेंगे मिल ही तुम्हें जब सप्तऋषि सा जब तुम्हें सप्तऋषियों से मिलन होगा जाने हूँ तब प्रमाण सा यह जो ब्रह्म वाणी हुई है उसका सत्य प्रमाण तुमको मिल जाएगा जब सप्तर्षियों से तुम्हारा मिलन होगा जब सप्तर्षि तुम्हारे पास आएंगे वे तुमसे मिलेंगे तो इस बात का प्रमाण मानना कि जो आकाशवाणी हुई थी वो सच होने वाली है सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिर जाहर सानी उमा चरित सुंदर में गावा सुन हु चरित सुहावा इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया यागवल्क जी भरद्वाज मुनि जी से कहते हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया अब हे मुनिवर शिव जी का सुहावना चरित्र मैं तुम्हें सुनाऊंगा कौन कह रहे हैं याग्वल्क मुनि कह रहे हैं किन से भरद्वाज मुनि से प्रयागराज में कथा हो रही है तीर्थराज प्रयाग में यह कथा हो रही है और ये सब कुछ बखान करते हुए जाग बल्क मुनि जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनि आज अभी तक मैंने तुमको पार्वती जी का यह चरित्र सुनाया और अब सुनो अब शंकर भगवान की कथा सुनाता हूँ क्योंकि जब से सती तन त्याग की थी तब से शंकर भगवान भी श्री राम नाम के ध्यान में ही हमेशा निर्लिप्त रहते थे जब ते सती जाइ तन त्यागा तब ते शिव मन भय जब से सती तन त्याग की थी तब से शंकर भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था तो फिर क्या करते थे शंकर भगवान जब पही सदा रघुनायक नामा जह तह सुन ही राम गुण ग्राम भी सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने सुनाने लगे चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचर ही महिधरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम राम चंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय पार्वती माता की जय बोलो शंकर भगवान की जय चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे सती तो अब रही नहीं सती का शरीर लेकर के वे सब जगह दौड़े थे जी उनका मोह इतना बढ़ गया था सती जी से कि भगवान को भी डर लगने लगा तब श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े किए थे और सती के शरीर का जो जो भी टुकड़ा जहां जहां कहीं भी गिरा वो आज इस धराधाम पर शक्ति पीठ बना हुआ है माता के साक्षात दर्शन होते हैं सर्वत्र राम का नाम लेते हुए विचरण करने लगे शंकर भगवान कतहू मुनिन्ह उपदेश ज्ञाना कतहू राम गुण कर ही बखाना वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं जी यही विधि गये ऊ काल बहु बीती जय सिया राम जय जय सिया राम अनित नय हो राम पद प्रीति जय सिया राम जय जय सिया राम प्रेम प्रेमु सं कर, कर देखा अभी चल हृदय भक्ति के रेखा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम ओ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला निधि तेज विशाला राम शिया राम जय जय राम का शियाम शिया राम जय जय राम हो बहु ओ बहुप्रकारसङ्करी सराहा तुम विनुअु को निर्वाह राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं जद्यपि सुजान शिवजी जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं सती के शरीर को लेकर के घूम रहे हैं सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके श्री हरि विष्णु ने उनका मोह मिटाया तो भगवान की कथा कहने लगे सुनने लगे इस प्रकार बहुत समय बीत गया श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है शिव जी के नियम बड़ा कठोर जी अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाले कृपालु रूप और सील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रकट हो गए उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत भला कौन निभा सकता है बहुविधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा प्रभु श्री रामचंद्र जी ही उन्हें बहुत प्रकार समझाते हुए माता पार्वती के जन्म की कथा सुनाई कि सती अब माता पार्वती बनकर के राजा हिम्बान के घर में मैना के कोख से जन्म लिया अति पुनीत गिरिजा करनी माता गिरिजा के पुण्यमय करनी को उन्होंने बताया कि कितना कठिन तप की है पार्वती विस्तर सहित निधि वरणी विस्तार पूर्वक निधि प्रभु श्री राम जी ने शंकर जी को बताया अब बिनती मम सुन हु रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अब बिनती मम सुन शंकर भगवान किसकी विनती करते हैं राम जी की और राम जी किन से विनती कर रहे हैं शंकर भगवान से यही पर ब्रह्म जी अब बिनती मम सुन हु जोमो पर निज नेहू यदि मुझ पर आपका सच्चा प्रेम है तो जाई विवाह सैल जही यह मोही मांगे देहू हे शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें श्री राम जी कह रहे हैं शंकर भगवान जी से कहसी बदपिवित नाही बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय बोला शंकर भगवान की जय पार्वती माता की जय शंकर भगवान कहते हैं कह शिव जद पी उचित अस नाथ बचन पुनि में न जा शिव जी ने कहा कि हे भगवान यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती इसलिए आपने जो कहा है उसे तो सिर पर धारण करना ही होगा हे नाथ मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं, सिर धर आय सु तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा मातु पिता गुरु प्रभु कै वानी भी नहीं विचार करिए शुभ जानी कहा होता है जी आजकल वो तो स्वामी जी लिख रहे हैं जागवल्क मुनि जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही बिचारे शुभ समझकर करना चाहिए आज की संतान ना माता की बात मान रही है ना पिता की बात मान रही है माता पिता यदि कुछ कह दें तो उसकी संतान आत्महत्या कर लेती है जी कुछ तो उसी जगह उल्टा जवाब देते हैं कुछ माता पिता के ऊपर वार कर बैठते हैं और कुछ बच्चे क्रोध से घर छोड़कर चले जाते हैं आत्महत्या कर लेते हैं कहां रही वो पहले वाली बात गुरु की बात बिना विचारे करना चाहिए माता पिता की बात गुरु की बात बिना विचार किए जो कह दिए वो करो गुरु से लड़ जाते हैं बच्चे गुरु की बात की आज्ञा की अवहेलना करते हैं मात पिता गुरु प्रभु कह बानी प्रभु तो प्रभु ये भगवान ही है भगवान सामने प्रकट होकर के थोड़ी है कहते हैं अरे माता पिता गुरु ही तेरे भगवान है उसी रूप में गुरु को जानो भगवान को जानो लेकिन नहीं बात मानते मात पिता गुरु प्रभु कहे वानी एक ऋषि दूसरे ऋषि से कह रहे हैं जागवल्क मुनि कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से कि बिना ही विचार करिए शुभ जानी बिना कोई विचार किए शुभ जान करके माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को मानना चाहिए जो कहते हैं वो करना चाहिए तुम सब भांति परम हितकारी अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी हे भगवान आप मेरे सर्व हित करने वाले सभी भांति मंगल ही करने वाले हैं इसलिए आपकी आज्ञा ही नाथ सिर पर मैं धारण करता हूं प्रभु तो से शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना प्रभु तो से मुनि प्रभु तो सुनि शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए कि शिव जी मेरा कहा मान गए कह प्रभु हर तुम्हारपन रहे हे हर हे महादेव हे शंकर जी आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई आपने क्या प्रतिज्ञा की थी शरीर से मैं सती को नहीं अपना सकता तो आपने सती का त्याग कर दिया सती ने शरीर त्याग कर दिया अब तो पार्वती हैं अब उनसे विवाह कीजिए शंकर भगवान को श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अब हमने जो कहा है उसे में उसको हृदय में रखी अब। पहले वाली बात छोड़ दीजिए अंतर्धान भय असभासी इतना कह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए अंतर ध्यान भय असभाखी शंकर सोई मूरत उर राखी उसी मूर्ति को हृदय में धारण करके शंकर जी रख लिए तब ही ऋषि शिव आए और तब सप्तषि शिव जी के पास आए अब तब, तब क्या हुआ बोले प्रभु अति बचन सुहाए तब शंकर भगवान ने सप्तृ से कहा कि पार्वती प्रेम परीक्षा ले सप्तृशियों आप जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए कहीं अभी भी पहले वाली बात तो नहीं है गिर ही प्रेम पठ यु भवन दूरी संदेह हुआवर राम चंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भैन की जय माता पार्वती की जय शंकर भगवान की जय शंकर भगवान ने कहा कि हे सप्तर्षियों आप जाइए शंकर भगवान तो सर्वज्ञ है जी उनको क्या पूछना और मा, जो पार्वती के मन में अभी भी कोई संदेह बैठा हुआ है तो उसे दूर कीजिए पार्वती जी के मन में तो एक ही संदेह बैठा हुआ था कि हमारी तपस्या पर हमारे प्रभु भगवान शंकर जी रिझेंगे कि नहीं रिझेंगे आकाशवाणी तो हो गई थी ब्रह्मवाणी तो हुई थी कि शंकर भगवान तुमको पति रूप में मिलेंगे लेकिन एक बात अभी और थी उस बात की पुष्टि होना बाकी था क्योंकि ब्रह्मणी ने कहा था कि जब सप्तृषि तुम्हारे सामने आए तब इस बात का प्रमाण मानना कि जो आकाशवाणी हुई है वो सही है इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं कि अब आप पार्वती जी के पास जाइए और उनके हृदय का संदेह मिटाइए और उनको तप से अब उठा करके उनके घर को भिजवा दीजिए जब तक उनका संदेह दूर नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे ब्रह्मबाणी का प्रमाण यही है कि सप्तर्षि जब मिलेंगे तो पार्वती समझे कि यह ब्रह्मबाणी सत्य है तो फिर जब आप जाइएगा तो उनका संदेह मिटेगा और फिर तब को छोड़ करके वो घर जाएंगी उनको भिजवाइए इतना काम कीजिए बोले सियावर रामचंद्र जी की जय बबुआ लखन लाल जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय चारो भईयन की जय शंकर भगवान की जय पार्वती माता की जय तो चलिए अब आरती हो जाए आरती श्री श्रीरामायण जी की कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी की कलित ललित सियापी किरती कलित ललित सिया गावत ब्रह्माद मुनि नारद व्मकविज्ञानविसारद सुखसनकादि शेसरु सारद भरनि पवन सुत कीरति न आरति शीरामायण जी कीरति कलित ललित की। गावत वेद पुराण अष्टदश थो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश सम्मत सब ही की आरती रामायण जी की कलित ललित भवानी भवाघट शंभव मुनि विज्ञानी यास आदि कवि बखानी आग भूसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की तीरथिकलित ललित शिव पी की रस फी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरति कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की तीरति कलित ललित सिया पी की बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय लगले लखन लाल जी की जय पवनसुत हनुमान जी की जय चारों भाई अन की जय संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जय श्री रामचरित मानस ग्रंथ की जय प्रोजोध्या धाम की जय सरजू मैया की जय गंगा मैया की जय भारत माता की जय वक्ता की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो गो माता की रक्षा हो पालन हो चलो श्री पार्वती पते नमः हारा हारा महादेव